गली में भाग गया। सियासत में धार्मिक नारा क्यों? क्या सियासत में धार्मिक? धार्मिक हमारी जो हिंदू तत्व है, जहाँ मतलब हम धर्म अलग रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो सभी भाई बहन है, धार्मिक नहीं है। हम तो हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई है। हम धार्मिक के लिए नहीं, हमारे सभी भाई बहन है। ओ शास्त्र और धर्म में ऐसी बात नहीं है, ये हमारे नहीं 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 क्यों, ये हमारे लिए भाई बहन। जब वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं हम, जब हमारे सभी मिलके वोटिंग होती है, सभी भाई बहन होते हैं, इसलिए हमने मतलब जब राजनीति में जी जात पात नहीं होती है भाई साहब। आशा जी मैं बोलना चाहता हूँ कि सियासत में धार्मिक नारा क्यों? क्या सियासत और धर्म इकट्ठे होने चाहिए कि अलग अलग? सियासत में धर्म धर्म अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए। लेकिन सियासत में नहीं ना होने चाहिए? सियासत में क्यों नहीं? अलग है धर्म? नहीं 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 नहीं, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही धर्म है। बीजेपी की गाइडलाइन है? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी की कोई गाइडलाइन नहीं है। जी हमारा एक मतलब नारा होता है, हम सभी भाई है, हम सब। शुरू से जब चुनावी मैदान में उतरे थे, अब लोगों ने मैंडेट भी दे दिया है, समर्थन प्यार दिया, आगे क्या कुछ योजनाएं रहेंगी कठुआ की धरती के लिए? इलेक्शन होने को लोगों ने काफी प्यार जताया है। आप इतना भारी हूँ कि मेरे लिए शब्द नहीं है, अपने बेटे को इतना प्यार दिया कि मेरे लिए शब्द ही नहीं है। हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह, ये पीआरआई के सरपंच है हट के, और हार लेकर पहुंच गए हैं कठुआ। सर कितनी खुशी है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं तो दर्शन सिंह का सपोर्टर हूं, तो वो मेरे छोटे भाई भी हैं, तो शुरू से आपको पता है कि जैसे हम दोनों बड़ी भी मेले में भी जाते रहते थे, आते रहते थे, तो आज बहुत खुशी है कि हमारी दिल की मनोकामना पूरी हो गई है। क्या चेंजेस आप लाएंगे जो पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, और इस बार जो है अपने लोकल कैंडिडेट से क्या उम्मीदें वापस आए? सर जैसे कि हमारी 10 पंचायतों में चौधरी लाल सिंह ने कोई अनदेखा किया था, उनको कोई रोड नहीं थे, बिजली नहीं है, पानी की नहीं है, तो जितनी भी समस्या अभी लोकल कैंडिडेट हमारे दर्शन सिंह आए हैं, तो इनको सब हमारी जितनी प्रॉब्लम इनको पता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी मुश्किलों को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अलायंस की सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बीजेपी एक विपक्ष का वो भूमिका निभाएगी, तो कैसे हो पाएगा? नहीं, हमारे जो कैंडिडेट दर्शन सिंह हैं, जो बहुत बड़े दिल के शहनशाह आदमी हैं, इनको पहले पैसों की करोड़ों की कमी नहीं थी, इनको सिर्फ चॉइस थी कि मैं गरीबों की सेवा करूं। ये खुद अपने पैसों से भी करवा सकते हैं जितने हमारे लोगों के काम है। हम उम्मीद करते हैं ये पूरे करेंगे उन कामों। तो हो सकता है अगर आप खुद मंशा हो, कैंडिडेट की डेवलपमेंट हो सकती है, तो और भी क्या मुद्दे हैं जो आप लोकल कैंडिडेट के जरिए जो उजागर करना चाहेंगे, जिनकी समस्या का समाधान जो आप चाहते हैं? जैसे कि सर हमारे स्कूलों का मुद्दा क्यों स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं है, मतलब हर चीज की समस्या थी। एक हमारा प्रोजेक्ट है 12 साल से बंद पड़ा हुआ जो माशका में, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकल कैंडिडेट आया है, ये इसको चलाने में हमारी मदद करेंगे। बनी से बीजेपी के दिग्गज नेता को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो बने की जनता आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको भाईचारा को, क्योंकि जिस प्रकार को बनी में भारतीय जनता पार्टी ने उनके कैंडिडेट को अनदेखा किया, लोगों को अनदेखा किया गया, इसलिए बनी के वाम ने लोगों को पार्टी को सबक सिखा दिया कि बाग के भाईचारा, बनी का भाईचारा को मानना पड़ेगा। उनको मैं सलाम करता हूँ। जो हमारे आजाद कैंडिडेट रामेश्वर जी जीते हैं, उनको लोगों का प्यार था, नौजवान का, हर जाति का समर्थन था, क्योंकि वो हर प्यार मोहब्बत से रहते थे उनका बहुत, इसलिए मैं कहता मुस्लिम वोट बरसने से वो जीत पाए। हाँ, मुस्लिम और दोनों ठाकर दोनों ने मिलकर उनको जिताने का बहुत श्रेय जाता है दोनों कम्युनिटी को। पंजाबी शर्मा जी जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, शर्मा जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, शर्मा जीत गया। अध्यक्ष
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी जो बम्पर वोटिंग हुई है डॉक्टर साहब की, जब वोटिंग हुई थी तब भी हमारी बहुत बड़ी लीड से हम जीते थे, अभी भी हमारी जो इलेक्शन हुई है 10 साल के बाद बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हद से ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकती। क्या ये खुशी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बना पाएगी? हाँ क्यों नहीं बना पाएगी, और हमारी जो जीत है काम की जीत है। अभी तो अलायंस की सरकार बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम बनाएंगे अपनी सरकार। मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र भाई मोदी जी है ना, जो 55 इंच की जिसकी साथी है वो सरकार अपनी बनाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो अभी एनसी और कांग्रेस सरकार बनाने के, जो एनसी और कांग्रेस दोनों मिलके गठबंधन करते हैं, हमारे बीजेपी सरकार जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी है वो अकेले बैठते हैं वहाँ भी एनडीए गठबंधन बना के सरकार बनाते है। क्या सरकार है वहाँ भी? एनडीए गठबंधन है। नहीं, एनसी और कांग्रेस दोनों कांग्रेस गठबंधन बनाते हैं, अकेले में हमारे साथ अकेले में, फिर हम बताए मोदी तो एनडीए गठबंधन, मोदी के साथ गठबंधन करके आते हैं, अकेले नहीं आ सकते। हमारे नरेंद्र भाई मोदी का स्पुंज छीना है, इसलिए हम डॉक्टर साहब जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी सियासत में धार्मिक नारा क्यों? क्या सियासत में धार्मिक नारा क्यों? सियासत में धार्मिक हमारी जो हिंदू तत्व है, जहाँ मतलब हम धर्म अलग रखना, नहीं हमारे लिए तो सभी भाई बहन है, धार्मिक नहीं है। मैं अब तो हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई है, हम धार्मिक के लिए नहीं, हमारे सभी भाई बहन है। ओ शास्त्र और धर्म में ऐसी बात नहीं है, ये हमारे नहीं क्यों ये हमारे लिए भाई बहन। जब वोटिंग करते हैं हम, जब हमारे सभी मिलके वोटिंग होती है, सभी भाई बहन होते हैं, इसलिए हमने मतलब जब राजनीति में जी जात पात नहीं होती है भाई साहब। आशा जी मैं बोलना चाहता हूँ कि सियासत में धार्मिक नारा क्यों? क्या सियासत और धर्म इकट्ठे होने चाहिए कि अलग अलग? सियासत में धर्म अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए। लेकिन सियासत में नहीं होना चाहिए? सियासत में क्यों नहीं होगा? धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही धर्म है। बीजेपी की गाइडलाइन है? नहीं, बीजेपी की कोई गाइडलाइन नहीं है। जी हमारा एक मतलब नारा होता है, हम सभी भाई है।